उपज हुई। मुश्किल होता है विनोद जी के लिए, एक तालियां प्लीज हमारी तरफ से दीजिए। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। नमस्कार, राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका अपना सफर 5 से 6 दशक का है। दरअसल वो सफर नहीं है, वो पूरी की पूरी एक संगीत साधना है। और बात करेंगे हम डॉक्टर पंडित राज खुशीराम जी से, जिनको मृदंगाचार्य के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे पहले तो बहुत ही विनम्र, बहुत ही सादर प्रणाम हमारी तरफ से पंडित जी। प्रणाम आपको भी। तो पंडित जी, पहला सवाल तो आपको आपके बचपन में ले जाएगा, और जिस 5-6 दशक के संगीत की संगीत साधना की हमने बात की, उसका उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहला मूल प्रश्न यही होगा कि ये साधना शुरू कैसे हुई थी। जय मृदंग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवेंद्र जी, संगीत की साधना कब आरंभ हुई? बहुत छोटा था और हमारी बहन जी नृत्य करती थी, और सबसे पहले दीक्षा शिक्षा तब परीक्षा होता है, तो उनके गायन और नृत्य से हम प्रभावित हुए। उनके साथ हमारे गुरुदेव पंडित रमाकांत पाठक जी वो संगत करने आते थे घर पे ही रियाज करने, तो उनका पखावज सुन के हमको बहुत अच्छा लगता था, और सही कहें तो हम उस ध्वनि पर आशिक हो गए। जो तबले की ध्वनि हमको आशिक नहीं कर पाई, वो पखावज की ध्वनि ने हमको अपनोन्मत्त कर दिया। तो बस यही है कि वहीं से समझिए हमारी साधना आरंभ हुई। और ये तो लंबी कहानी है, हमारे 4 गुरु हैं, उन 4 गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर रही और आज हम इस योग्य हो गए कि आप हमारे सामने बैठ के हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी, थोड़ा सा इसके इस सफर को आपने
सहजता से बता जरूर दिया, क्योंकि बड़े कलाकार बहुत सहज भी होते हैं, मैंने ये महसूस किया है। इस सफर की शुरुआत को आपने बता दिया कि तबले ने जो आकर्षण आपके अंदर नहीं पैदा किया था वो आकर्षण पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद सीखना है, उसकी साधना करनी है, परंपरागत तरीके से सीखना है। ये सब अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक होता है शौकिया सीख लिया, एक होता है चलो हाँ थोड़ा बहुत बजाना आता है, लेकिन उसको एकदम एक साधक की तरह उससे जुड़ जाना और उसको सीखना, इसके पीछे की कहानी क्या है? लगभग 7-8 वर्ष का रहा होऊंगा, या हाँ लगभग इसी के आसपास 8-9 साल का। और उसमें हमारी सुनने की और थोड़ी बहुत पखावस सुनने की शिक्षा आरंभ हुई। और हम क्योंकि हम हमारे ठाकरे म्यूजिक कॉलेज था हमारे लखनऊ में, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हो गया है, उसमें पंडित सखाराम जी मृदंगाचार्य वो सिखाते थे। इंदौर से भातखंडी जी स्वयं उनको लेके आए थे, तो उनसे ही पंडित सखाराम जी सीखते थे और वही हमारे घर पे आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा चलो अपने गुरु जी से मिलवाते हैं, और वो ले गए। हम भी बहुत छोटे थे तो बड़ा उत्साहित थे। माँ से कहा जरा अच्छे कपड़े पहनाइए, हमको जा रहे हैं हम गुरु जी के गुरु जी से मिलने। अब गुरु तो इनको हमने शुरू से ही मान लिया था। फिर वो हमको लेके गए छोटे से निक्कर पहन के शर्ट, पहले तो निक्कर ज्यादा बच्चे पहनते थे, और गए वहां पर। तो सखाराम जी ने कहा रमा, वो रमा कहते थे पाठक जी को, क्योंकि उनका नाम रमा कांत था, लेकिन वो शॉर्ट नेम रमा बुलाते थे। तो रमा क्या ये लड़का क्या करता है, तुम्हारा लड़का है? क्या नहीं, ये लड़का तो नहीं है लेकिन लड़के की तरह ही है, और ये पखावज की तरफ देख रहा है अभी। क्या मतलब? क्योंकि इसको अच्छा लगता है जब हम बजाते हैं तो ये हमको देखता रहता है, तो हम यही कहेंगे कि पखावज की तरफ देख रहा है। तो क्या ठीक है, पखावज बजाए गए, पखावज बजाओगे, पखवाज पखवाज बोलते थे हम, हमको इधर आओ इधर आओ बुलाया और अपने पास बैठाया। हमको स्मरण है पूर्ण रूपेण कि पखावज पखवाज बजाएगा, हमने कहा हाँ साहब मन तो है। बड़े डरते डरते, इतने बड़े गुरु थे, डरते डरते हम बोले, तो कहेंगे अच्छा इधर आ, अपने गोदी में बैठा लिया। तो छोटे थे तो गोदी में तो बैठना ही था, गोदी में बैठा लिया। कह ले आज से शुरू करता हूँ, और हमारा हाथ पकड़ा और एक पखावज के हाथ दिलवा दी, और भगवान की कृपा गुरु कृपा उस वक्त हमारी थाप बोल भी गई। पहली थाप असल में हमने इतने लोगों से को सिखाया है, पहली थाप नहीं बोलती, और लेकिन वाह तुम्हारी तो पहली थाप बोल गई बेटा, तू तो जरूर पखावज बजाएगा। बस वो दिन और आज का दिन हमने उनको प्रथम गुरु अपना मान लिया, और वो हमारे हम तरह से एकलव्य शिष्य हो गए उनके, यही कह सकते हैं। वहीं से आरंभ हो गई। फिर पाठक जी ने हमको शिक्षा दिलवाई अपने माध्यम से, और पखावज की शिक्षा। पहले तो हम 5-6 साल सिर्फ आटा गूंधे, आटा गूंधा और पखावज धोया, छोटे से थे, धोती पहन के, क्योंकि वो धोती पहनते थे तो हमको भी, हम भी हर कार्यक्रम में उनके साथ धोती पहन के ऐसे उठाव डाके किसी तरह टेढ़े मेढ़े, लोग जैसा भी बताते हैं। हमारी एक मित्र हैं सीता कौशल, वो कहती थी तुम ऐसे ऐसे चलते थे पाठक जी के साथ। तो हमने घर वो तो बच्चे थे तो एक तरफ पखावज वजन से थी तो टेढ़े हो जाते थे। तो फिलहाल उनके हर कार्यक्रमों में हम साथ में रहे, उनको उनके आटा गूंद के उनको देते थे वो आटा, क्योंकि पखावज में आटा लगाया जाता है धधकार के लिए। तो वो उनके साथ ऐसा चला, फिर कहेंगे कि अच्छा चलो शुरू करते हैं। ये करीब 4-5 साल के बाद की बात थी। फिर उन्होंने शुरू कराया और हनुमान जी की कृपा ऐसी रही कि बजाना शुरू किया,
और फिर प्रथमा और मध्यमा दो परीक्षाएं हमने भटखंडे विद्यापीठ से दी। पहले विद्यापीठ से ही परीक्षा संगीत महाविद्यालय में होती थी, वो परीक्षा केंद्र था, उसके कोई प्रश्न पत्र नहीं बनते थे। तो ऐसा हुआ तो फिर उसके बीच में एक नेशनल स्कॉलरशिप आई, उसमें उन्होंने फॉर्म भरवाया हमारा, हमको दिल्ली ले गए और वहाँ पर दिलीप चंद बेदी, आपका अयोध्या प्रसाद जी और आपका आचार्य बृहस्पति, ऐसे बड़े बड़े गुणी लोग उसमें हमको दर्शन करने को प्राप्त हुआ। उनके सामने पखावज बजाया। अब चिदम्बना ये हो गई कि पाठक जी को पता नहीं क्या वो संवरण नहीं कर पाए, उन्होंने भी अचानक से फॉर्म भर दिया और अब खुद भी बैठ गए। अब गुरु जब बजाएगा तो चिल्लेगा क्या होगा, तो शिष्य तो खैर आएगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो उन्होंने वो आ गए। अब उसमें उस 500 रुपए की स्कॉलरशिप तक की बात कर रहे हैं, वर्षों पुरानी हो गई, हमको सन पंत याद नहीं रहता अभी भी, किसी भी परीक्षा का हमें सन नहीं याद। लेकिन वो रामपुर चले गए अयोध्या प्रसाद जी से सीखने। तो हमने कहा कि अब हमारी अभी एक तरफ से शुरुआती हुई है, मध्यमा कोई नहीं है कि तीसरा वर्ष होता है परीक्षा का। वैसे तो हम पांच छह वर्ष से बजा रहे थे, आपको देखता देखा तो हमने भी चाय देखा ठीक किया, चाय की चुस्कियों में, मतलब ये मेरी गुस्ताखी ना मानी जाए, लेकिन बस आपके आशीर्वाद से। हमारी चाय तो नींबू की होती है, तो खैर वो तो कहानी अलग है। तो फिर वो चले गए तो हमको पंडित सखाराम जी के पौत्र विनायक राव जी ने सहारा दिया और वो आपके तीसरे गुरु हुए। हाँ, ये हमारे तीसरे गुरु हुए पंडित विनायक राव जी, पंडित सखाराम जी के पौत्र। तो उन्होंने हमसे कहा कि परेशान मत हो और हम हमारे निर्देशन में तुम बजाओ। हमने कहा हमारा तो प्रभाव छूट जाएगा, एकदम बच्चा है जब भाई आके 10-11 साल तक पहुंच गए होंगे। तो कहे नहीं नहीं परेशान मत हो। फिर उन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया और हाँ विशारद कराया अपने निर्देशन में, उसके बाद फिर निपुण भी कराया उन्होंने। निपुण के बाद हम चले गए ये बम्बई में, तालमणि की एक प्रतियोगिता होती है सुरसिंगार संसद की, उसमें हमको तालमणि प्राप्त हुआ और हमने ये रेडियो का स्पेशल फर्स्ट प्राइज पाया हमने, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी का प्रोग्राम प्राइज होता था, लेकिन उसमें विशेष विशेष प्रथम श्रेणी लिखा जाता था, तो वो विशेष प्रथम श्रेणी भी मिल गया। अब आगे बात चली रही थी, रियाज कर रहे थे और रियाज साहब हमारा उसी मंदिर में, आपने शायद जमीनाबाद में हमें हनुमान जी का मंदिर देखा या नहीं देखा, लेकिन उस मंदिर में हमारी साधना आरंभ हुई थी और अभी तक वो हमारे हृदय में है। सुबेरे हम 3 घंटे साहब घड़ी लगा के 3 घंटे हम सुबह बजाते थे और 3 घंटे आरती के बाद, आरती होने के बाद दरअसल नकड़ा हो जाता है जी। तो 3 घंटे हम शाम को बजाते थे और घड़ी लगाते थे, कभी कोई मिजाज बन गया तो आधा एक घंटा बढ़ भी जाता था, यानी एवरेज ये दसियों वर्ष का। पाठक जी नहीं थे, अच्छा हम उनको गुरु जी नहीं कहते थे, पंडित जी ही कहते थे, क्योंकि हमारे घर में आगमन रहता था तो हम उनको पंडित जी शुरू से ही कहते थे, तो गुरु जी नहीं कहा। ये वर्षों तक हमारा, दसियों वर्ष तक ये साधा रही, 6-7 घंटे की, 6 तो निश्चित है, 7वां भी टपक जाता था उसमें। तो ये रही, और वर्षों के रियाज के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती। इसी बीच में रेडियो का हमने ऑडिशन दिया, उसमें हमको बी ग्रेड मिला, फिर क्रमशः बी हाई मिला, फिर ए मिला, हमें संतुष्टि नहीं हो रही थी।
और एक हमने 24 वर्ष तक बजाया। हालांकि तीसरे साल या दूसरे साल या पांचवें साल जो भी हो निश्चित उनका आप एक के लिए दे सकते हैं, स्पेशल के लिए दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा मन नहीं करता, नहीं ठीक है बजा तो रहे हैं, एक रेट क्या कम होता है। तो हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने और लोगों ने कहा कि नहीं भर दो। तो सन 2013 में हमने टॉप ग्रेड के लिए भर दिया और वो हनुमान जी की कृपा से टॉप ग्रेड भी हो गए। तो एक दिन युगांतर सिंदूर हमारे यहाँ जगल गायक थे, तो हम गए थे रेडियो कार्यक्रम करने, बैठे हुए थे, आज विनोद हो रहा था, हमने कहा भैया टॉप हो गए हम, तो इसके आगे भी कुछ कहानी है क्या लल्लन का? खैर उन्होंने हाथ से किया तो खैर उसमें कहानी हो गई, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि हमें और प्रगति करना है, और प्रयास करना है। हालांकि अब शरीर, इस बीच हम दो बार मरते मरते बचे हैं, 2014 में हमारी पत्नी श्रीमती कपिला राज शर्मा जो यहाँ कथक केंद्र लच्छू महाराज की पथिक शिष्या थी, गंगाबंध शिष्या थी, वो कथक केंद्र लखनऊ में डायरेक्टर थी, और उनसे ही हमारी नृत्य की कथा आरंभ हुई थी बजाने की। ये 1974 की बात कर रहे हैं, 1974 में हमने सबसे प्रथम कपिला राज शर्मा के साथ, कपिला राज नहीं थी, राज की शादी के बाद ही शर्मा, कपिला शर्मा के साथ हमने बजाना आरंभ किया। धीरे 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 बढ़ता रहा, फिर कच्चू महाराज जी के साथ हमने कथा केंद्र में काम करना भी शुरू कर दिया, और 1978 में हमारी उनसे विवाह हो गया। तो संगत नृत्य के साथ संगत करते करते जीवन की भी संगनी बन गई हो, लेकिन 2014 में हमारा उनका पिछोह हो गया, और 2015 में हमारा पुत्र जो कि जवान था, 28-29 बरस का था, वो भी हनुमान जी के ने बुला लिया। उसी में एक छोटे भाई थे हमारे विनोद, के आर विनोद, यहाँ जागरण में पत्रकार थे और कॉमर्स के असिस्टेंट, क्या बोलते हैं, संपादक वो थे, और एक ही उसमें 14 में ही एक्सीडेंट में उनका तो तुरंत ही प्राणांत हो गया। हम 2.5-3 साल तक बिस्तर में हो गए एकदम। 16 में हम लखनऊ महोत्सव जब हुआ तो हमने बजाया, तो लेते लेते हम पड़े रहते थे, रोते रहते थे कि क्या हम खड़े भी हो पाएंगे कभी, हनुमान जी का कभी खड़े भी हो पाएंगे, उन्हीं से रोते थे, उन्हीं से प्रार्थना करते थे। तो मन भी कहता था, और कई मित्रों ने कहा कि नहीं, हमारे शीतल प्रसाद मिश्रा जी एक दिन आए, कह तू हमरे संगे बजेबा, बनारस से वो भी थे और हमारा बनारस का निहाल है, तो तू हमरे संगे बजे, अरे हम हिल नहीं पावत थे, तू कह तू बजेबा, क्या हम एक दिन बजेबा। और सही, लक्ष्मी सरस्वती माँ बैठ जाती हैं मुँह में, वो उन्होंने हमको अपने साथ, ICCR का प्रोग्राम था और एक तालवाद कचहरी सेट किया था, तो उसमें हमने और मनोज मिश्रा जी और कई लोग थे, उसमें पखावज भी था, तबला भी था, ढोलक भी था, वो बजाया। कहने का तात्पर्य कि कभी कभी ऊपर की एक इच्छा मनुष्य के मुंह से आ जाती है। मनोज जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम लखनऊ महोत्सव के बजवाई, वो भी बनारस के हैं। तो हमने कहा कि भैया देखा लोग कहा तो हुआ, लेकिन कब बजाई हनुमान जी जनिए, कहना ही तो बजेबा। फिर हमारे गुरु जी ने भी यही कहा कि ताई बजेबा तू, पंडित रमाकांत पाठक, तब वो मरणासन्न थे, हमसे मिलने गए थे, तो हम कहे का सरकार बजाई कि न बजाई, कहना है तू बजेबा, और इसे करके हमारे सिर पे हाथ रख दिया, और देखिए हमारा रुआ भर ला गया है सिर्फ इस वक्त अपने से। खैर ऐसी यात्रा चल रही है और ये भी चल रही है, उसका अंत हमें समझ में नहीं आता कहाँ है। तो मेरे ख्याल से जब तक जीवन है और जब तक शक्ति है तब तक ये बचता रहेगा, आगे तो हनुमान जी जाने और गुरु जी जाने हैं। हमारे तीन गुरु जी तो चले गए, एक विनायक राव जी अभी हैं, जीवन जीवंत हैं, और वो हमको अभी भी
मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है मैं पूर्ण हो गया हूँ, और अपने को पूर्णता हमने कभी मानी ही नहीं। हम तो बीते रहते रहते हैं, कोई अच्छा बजा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा बजा रहा है, ऐसा ही तैयारी हमको भी करनी चाहिए। और लोग कहते हैं यार तुम कैसी बात करते हो, तैयार बजाते हो फिर भी, लेकिन हमने कहा मन की भावना है। पंडित जी मुझे लगता है कि अब जब सब गुरुओं की बात हो रही है तो आपके जो चौथे गुरु हैं मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास मृदंगाचार्य जी, उनके बारे में भी कुछ संस्मरण आपके जरूर होंगे, उनसे भी हमको साझा कराइए, उनसे भी वाकिफ कराइए। बिल्कुल सही कहा, अभी पंडित सखाराम जी, पंडित रमा आपके आपके रमाकांत पाठक जी, पंडित विनायक राव जी, ये सब एक ही घर के थे। सखाराम जी के शिष्य रमाकांत जी, रमाकांत और सखाराम जी के ही पौत्र विनायक राव जी, तो एक ही शाखा में, एक ही वृक्ष में थे। वो नाना पान से घराने की शिक्षा, हमने शुरू से ही घरानेदार शिक्षा पर जोर दिया। हम अच्छा एक चीज और बताऊं, हम सिर्फ परीक्षा देने के हकदार हैं भातखंडे जाने में, हमने वहां सीखा नहीं, हम क्लास में नहीं गए। जब रिफ्रेशर कोर्स हुआ, जहां भातखंडे में शिक्षा भी देने लगे थे हमको व्यास जी की टाइम पे, बल्कि पूर्णिमा पांडे जी के टाइम से हम वहां गए थे, तो शिक्षा देने लगे थे। तो जब रिफ्रेशर कोर्स हुआ तो अंत में भाषण होता है, तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनसे भाषण करवाया जाता। हमने कहा हमने तो पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, तो मुकुंद भाले जी थे, उन्होंने कहा अरे आप इतना पीएचडी तक कर लिए। हमने कहा हाँ कर तो लिए, ये गुरु आश्रय तक किया है, हमने क्लास में नहीं सीखा। तो कह रहे बातें तो लंबी बहुत हो जाएंगी और समय की सीमा है। आपने हमारे चतुर्थ गुरु स्वामी पागलदास जी महाराज का नाम लिया था, 76 या 5, ये मुझे थोड़ा भ्रम होता है, अभी भी भ्रम होता है। हमारे यहाँ लखनऊ महोत्सव आरंभ हुआ था, श्रीलाल शुक्ला जी तब थे डायरेक्टर थे, तो उनके काल में, और सुरेश शंकर अवस्थी जी थे भातखंडे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, तो वो सब लोग उसमें थे। तो उसमें पंडित हरिशंकर मिश्र जी गायनाचार्य, बनारस के बहुत प्रचंड गायनाचार्य, जिसको किशन महाराज जी भी कहते थे, मैं तो दो शंकर के लिए मुझे सोचना पड़ता है, या रविशंकर या हरिशंकर। जय किशन महाराज ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात कर कहता हो, जो प्रकांड विद्वान जिसको हम कहेंगे, गणित का तो एकदम तरह से देवता मानेंगे उस व्यक्ति को, लेकिन वो भी कहते थे कि हमको दो लोगों के साथ सोचना पड़ता है। तो पंडित हरिशंकर जी के साथ पहले स्वामी पागलदास जी ने संगति की, अब संगत के बारे में क्या कहें, विलक्षण थे संगत थी। और ये सब बात कर रहे हैं हम, ये तब जब हमको तालमणि वगैरह सब मिल गया है, हम एमयू यानी निपुण कर चुके थे। और उसके बाद स्वामी जी का स्वतंत्र वादन हुआ, जिसके लिए हम बहुत इच्छुक थे। तो वो स्वतंत्र वादन सुना हमने, तो उसमें विशेषता थी कि वो तालवा आपके स्तुति पर में, जो देवी देवताओं प्रकृति आदि पर आधारित थी, जैसे उमड़ी घुमड़ी गरज घना नन गा रात घटा गगल गान कान दामिनी आदम कट रहे मन फूली रहे मुस्काए रहे तरसाए रहे दो मदन दर्प दल काए रहे झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे
जब हमने सुना तो बस हम तो कहते कि बस गिर नहीं पड़े, बस यही कहेगा ही रह गया। और उसी वक्त हमने अपने हृदय में उनको वर्ण कर लिया कि हमने इनकी कला को सीखना है, क्योंकि नाना पांसे घराने की कला में आतो दिक परने अधिक हैं और लियाज अलग है और रेले हैं, चक्रदार हैं और एक चीज और गणित का काम बहुत है। लेकिन ये सब चीजें जिसको हम बाद में हमने जाना, ये पहले तो हम कवित्व पढ़ ही समझते थे, दो एक कवित्व पढ़ने हमको भी याद थी छोटे छोटे थे, तो पाठक जी ने दुर्ग दुर्ग नाशनी दल दल असुर दल दल बुद्धि दल बुद्धि सिखाई थी। और वो जहाँ कार्यक्रम में जाते थे तो हमसे भी कहते थे लेटा पढ़ो, तो प्रशंसा मिलती थी, तो उनको भी प्रशंसा मिलती थी। तो लेकिन जो स्तुति पर्णों पर केंद्रित कार्यक्रम हो सकता है वो हमने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी से प्रभावित होके हम अयोध्या पहुंच गए। हमने बाल मुड़ाया, नाई ने कहा कि भैया क्या घर में कुछ हो गया है क्या? नहीं, हमने कहा नहीं भाई, गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बाल हमारा एकदम मुड़ दो, क्या बिल्कुल, हमने कहा सभास्कृत बेलचट कर दो, और करके फिर हम उनके यहाँ पहुंचे और उनके चरण में गए। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, कुछ घर में? हमने कहा नहीं, आपके आना था और हमें आपसे शिक्षा ग्रहण करनी गुरु शिष्य परंपरा में। क्या अच्छी बात है, फिर गंडा बजाया उनसे और उनसे आरंभ हो गया और उनसे इतनी अंतरंगता हो गई कि कहने को दूर नहीं। हम और हमारी श्रीमती जी दोनों खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गए थे परीक्षा लेने, और जी किसकी, नृत्य की तो खैर नृत्य विशेषज्ञ थी, लेकिन हम वो दूसरा क्या होता है वायवा की जगह वो एक वायवा होता है, एक दूसरा एक होता है, हमें याद नहीं आ रहा, दो परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें उसमें दूसरी वाली में हम लेने गए थे। तो वहां पर देखा कि जिसको देखो वो नाट्यशास्त्र की बात कर रहा है, शारंग देव की बात कर रहा है, इसकी यानी सब सब कुछ मतलब शास्त्रज्ञों की तरह बात करते। हमने कहा भैया ये तो नाम भी कम सुने हमने, हम तो वादन में ही अधिक थे। तो फिर वो हम एक मांडवी सिंह करके हैं, पीडी आशीर्वादन जी की, पहले खैरागढ़ में उनसे सीखती भी थी, उसके बाद वहाँ प्रोफेसर भी हो गई और उसके बाद वहाँ पर क्या कहते हैं डीन फैकल्टी के बाद उसमें आपके वीसी बन गई। तो उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने कहा जी वो जीजा जी हमको कहती, क्योंकि आशीर्वादन जी कपिला जी को बहन जी कहते थे, दीदी कहते थे, उस नाते वो हमारी उनके सारे शिष्य हमको जीजा जी कहते। तो मैं कहें जीजा जी परेशान न हुए, सब हो जाएगा। फिर उन्होंने ही फॉर्म भेजा, भरा और सब कुछ प्रक्रिया हो गई और उसमें फिर हमने पीएचडी किया, और पीएचडी भी किया स्वामी पागलदास जी पर ही। तो हमने कहा था स्वामी पागलदास व्यक्तित्व कृतित्व, ये हमारा पहला सब्जेक्ट था। तो वहाँ लेके गए तो उसमें कई लोग थे, उन्होंने कहा भाई एक व्यक्ति पर नहीं कुछ और करिए। तो हमने कहा जो पखावज का अवधि घराना और उसमें स्वामी पागलदास जी का योगदान, अब वो पूर्ण हो गया। तो उस टॉपिक पर हमने काफी साल काम किया और हनुमान जी की कृपा से उसमें हमें सन 2000 में पीएचडी भी प्राप्त हुई। तो ये सिलसिला चल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पंडित जी ये सिलसिला चल ही रहा है और चारों गुरुओं का ये आशीर्वाद ही है कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा कुछ रोज पहले कि 5000 से ज्यादा कार्यक्रम अब तक आप कर चुके हैं, देश के तमाम जितने भी बड़े कलाकार हैं उन सब के साथ संगत की है आपने, उन सब के साथ आपका स्नेह रहा है, मित्रता रही है। और साथ ही साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब भी आपके अंदर की जो वो सहजता है जिसकी बात मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में की थी वो कायम है। चाइना में आपने 100 से ज्यादा कार्यक्रम कर दिए, तो ये सब तो आपके मतलब उपलब्धि, शायद छोटा शब्द है लेकिन उपलब्धि के तौर पर लोग बताते रहते हैं, हम सबको पता है। लेकिन ये मृदंग औलिया जो आपको नवाजा गया
इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये कहानी सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारे अच्छे मित्रों के मित्र हैं वो, हालांकि काफी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मित्रता तो किसी से भी हो सकती है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता भी तो हो सकती है, लेकिन उनका हमको कोई मेल तो है नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पंडित भवानी शंकर मिश्र जी की आप चर्चा कर रहे हैं शायद, और 80 के दशक में हमको गोपी कृष्ण जी, क्योंकि हम उनके साथ नित्य रियाज करते थे, बम्बई में ही रहते, 6 साल हम बम्बई रहे हैं, और थार से ये दादर से थार दाना उनके यहाँ हम 1 बजे पहुंच जाते थे और 1 से 2 बजे तक उनको नचवाते थे, मतलब रियाज कराते थे। ये हमारी गाने बजाने की भाषा है नचवाना नाचना, तो हमारे मुंह से डांस निकलता ही नहीं अभी भी। तो वो कि चला यार, वो भी बनारस के थे, जो चला यार आज तो के प्यारे लाल जी से मिलवाओ। सही समझे के प्यारे लाल, हमें ध्यान में नहीं रहा, अरे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, कहा हाँ हाँ चला चला चला। फिर वो अपनी गाड़ी में हमको लेके गए, प्यारे लाल जी क्योंकि गोरखपुर के थे, भोजपुरी में ही बात करते थे, तो कहें कि लड़का के हो, हम जींस वींस पहने हुए एकदम लवटे छेड़छाड़ थे तब तो कहें कि ये हमारे भाई हो, पखाओ बजा वाला, क्या पखाओ जा 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 जल्दी से जाके पखाओ ही ले गया हुआ। फिर बात हुई, हम वहां से दादर गए, दादर हम लक्ष्मी महाराज जी के घर में रहते थे, अपने सारू तब शादी भी हो चुकी थी, तो हमारे सारू साहब भी लगते हैं लक्ष्मी महाराज जी, तो उनके हम रहते थे। वहां से पखाओ लाद के लाए टैक्सी से, और कहें कि ये नाचे मयूरी में सुधा चंद्रन था, उषा किरण मूवीज का पिक्चर है, उम्मीद तो के बजाना है। फिर हम थोड़ा बहुत समझे, और उसमें हमको भवानी शंकर जी, क्योंकि उस समय वो तबला बजा रहे, लेकिन हाय रे आदमी, लेकिन मुलाकात होती है तो आज कितने वर्ष, 80 के दशक सोचिए, और ये चल रहा है 2022, स्मरण हमेशा रहता है उस व्यक्ति का। तो कहें खूब जोर से बजाना, और छोटी 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 जैसे टिप्स, क्योंकि हम तो पहली बार इंडस्ट्री में बजा रहे थे, उसके पहले हम कोरल कोरस में रेडियो में बजा चुके थे और बहुत बजाए थे, तो इसलिए उसका हम आभास था कि ये सामूहिक रूप से कैसे बजाया जाता है। आपसे बता रहे शिवेन जी, 200 म्यूजिशियंस थे उस गाने में, फिर बजाना शुरू किया, एक रिहर्सल हुई, सुधे सुधे थे और बिल्कुल सफलता से हमने बजाया। तो वहां से भवानी शंकर जी से हम बहुत बढ़िया मिल गए। फिर सुरसिंगार संसद में वो बजाने आए थे, जब सीजे रोड में सुरसिंगार संसद का कार्यक्रम होता था काला घोड़ा के सामने, तो उनके सामने उनके साथ फिर काफी बातचीत हुई, फिर इधर क्रम टूट गया। फिर एक बार वो शायद कहीं बजाए थे तो हमने उनको कमेंट किया था, तो उनका उनका फोन हमारे यहाँ आया, अरे यार खुशी राम ऐसा बढ़िया कमेंट आपने किया, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। अरे मैं क्या कैसी बात कर रहे हैं। फिर वो सिलसिला यानी हमारे फोन में घंटा घंटा भर तक बातचीत होती रहती है, और अभी भी ये सिलसिला चल ही रहा है, बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन बातचीत करते 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 में हमारा उन्होंने कहीं वीडियो देखा होगा, कहें यार मृदंग आवलिया हो यार तुम तो, हमने कहा ये क्या बात है, क्या नहीं आज से हम तुमको मृदंग आवलिया कहेंगे, ये हमारा एक तरह से सम्मान कहो या हमारी बातचीत कहो या हमारे हृदय की आवाज कहो, यही शब्द थे उनके। तो वो नाम हमने मृदंग आवलिया रख लिया अपना, हम मृदंग आवलिया भी कई जगह लिखते हैं। तो ये देखिए सम्मान तो हृदय से मिलता है ना, और फिर इतने बड़े गुणी आर्टिस्ट और इंडस्ट्री में वर्षों से उनका डंका बज रहा है, कोई नाम लीजिए कोई गाने का कहे मैंने बजाया, ये देखो मैंने बजाया, ये देखो मैंने, यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने हजारों गाने के साथ बजाया होगा, और एक तरह से एक छत्र राज्य है पखावज में और तबला में, तबला भी वैसे ही बजाते हैं जैसी पखावज बजाते हैं। हमारा उनका मित्रवत व्यवहार चल रहा है और अभी तक चलता रहेगा, और हमारी उम्र जब तक है, हनुमान जी जब तक हमको जीवन दिए हुए हैं,
मेरे ख्याल से हमारी तरफ से तो कभी कोई कमी नहीं होगी और हम उनकी तरफ से भी कभी कोई, नित्य हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आपकी सहजता और साधना ही है जो आपको पूरी दुनिया में स्नेह और सम्मान दोनों दिलाती है। आपने समय निकाला पंडित जी, इतनी सारी कहानियां हमसे बात शेयर की, साझा की, दोनों हाथ जोड़ के एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो इतने अच्छे चहल रागगिरी में हम देखते थे और हमारी इच्छा होती थी कभी हम भी बोलेंगे इसमें। अरे अब और फिर आपका जो फोन आया एक दिन और हमारी मित्र अर्का ने आप हमें कहा हमारे लिए आपसे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ साहित्य की चर्चा हो, एक शिवपरण हम आपको सुना रहे थे, वो शिवपरण आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें बारह शंकर जी के नामों का प्रयोग है। धाधरगढ़ धे की त्रिगढ़ तकता की न धागे तिट धिटता धा ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि विरंच सुरपति पूजितम धिट तिट घिंतान धा महामृत्युंजय मंत्र साधनम अरिष्टहरणम मेटत अंक सुभालम शंभु कृपालम भीम शंकरम धिट कृधतिट धिट 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 कतान मल्लिकार्जुन महाकाल जय बम बम भोले करत तांडव नृत्य डमक डम डमरूनादम धग तिट गदिगन नग तिट गदिगन घेन्द्रगढ़ पशुपति जय गिरिजापति जय देवनपति महादेव साजनपति मृंग बाजत धिकिट तगिन तग मुंड मालधर करत शूलधर भाल चंद्रधर शीश गंगधर जयति गौरी वर वैद्यनाथम धिट तिट धकिट कद धिकिट त्रिगटान कद धा ता सोमनाथ केदारनाथ जय विश्वनाथ रामेश्वरम बिल्व पत्र अक्षत प्रसून फल धूप दीपम चंदनादिकर पूरलेपनम धिट कतान नागेश्वर जय घुसुमेश्वर हर हर भजत छत्रपति ओम नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणम जय शिव शंकर जय गणेश कद्धा कद्धा कद्धा।